प्रॉब्लम ड्रॉप कर रहा हूँ ना, नोट हो गया ना प्रॉब्लम। देखो इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड में आप ऐसे मान लो कि ये यहां से चलना शुरू किया और लगातार ये अट्रैक्ट होके आता जा रहा है, तो इसका वी बढ़ता जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके कोई भी टाइम पे बीच में जब कहीं पहुंचा हुआ है कोई एक्स डिस्टेंस पे, तब का वी लिखो, फिर वी को लिखो डीएक्स बाई डीटी और इंटीग्रेट वगैरह करो। वो बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा। ये तरीका अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल में है ये प्रॉब्लम, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो और वो रेफर कर सकते हो ना आए तो। मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट से बताता हूँ कि हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो टाइम पीरियड टी और इसके आर में क्या रिलेशन बोलोगे, टी इक्वल टू टू पाई आर क्यूब बाय जी एम। सर्कुलर ऑर्बिट में ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फिर अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट से कम हो जाए तो पाथ कैसा होने लगेगा, ऐसे अंदर के साइड में इलिप्स बनने लग जाएगा अगर वी की वैल्यू वी नॉट से कम होने लग जाए, तो हम वी को कम करते जा रहे हैं, तो कम करते जाओगे तो इलिप्स ऐसा होता जाएगा ना, अगर आपने ज्यादा कम कर दिया तो फिर ऐसे जाके टकराने लग जाएगा ना, और कम करोगे तो और ये स्ट्रेट ऐसे होने लगेगा, एकदम कम किया जीरो तो एकदम सीधा होने लगेगा। सीधा मतलब आप मान सकते हो लगभग ऐसा कुछ इलिप्स बन रहा है, एकदम फ्लैट इलिप्स बन गया है, एकदम स्ट्रेट वाली दोनों जो लाइन है एकदम ही फ्लैट आ गई है ना? तो पूरा यहां से लेकर के वापस यहां तक आने का जो टाइम होगा वो नया टाइम पीरियड होगा ना इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का टाइम पीरियड कितना बोलोगे, ये उसका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना बोलोगे, कैपिटल आर बोलोगे, ये स्मॉल आर बोलोगे ना, कैपिटल आर को इसमें सब्ट्रैक्ट करना या वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, बोल दिया गया है कि स्मॉल आर के आगे कैपिटल आर बहुत छोटा है, तो आप बोल सकते हो ये जो पाथ है ये पूरा है वही स्मॉल आर है ना डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो कि नया इलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है, आर है, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, ये पूरी टू आर टू वे डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है। तो टाइम पीरियड हमें पता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में कितना होता है, सेमी मेजर एक्सिस बाई जीएम होता है, तो इस ए की जगह हम कितना डाल सकते हैं, आर बाई टू डाल सकते हैं, आर बाई टू डालेंगे तो यहाँ पे क्यूब आएगा, टू का क्यूब एट आएगा, एट को अगर हम बाहर करें तो कितना हो जाएगा, टू रूट टू ऐसे लिख सकते हैं ना, सब सही लिखा है ना, ऐसे आ जाएगा। ये जो टाइम है ये कहां से कहां तक का टाइम है, ये अगर जाएगा और हाइपोथेटिकली वापस भी आएगा, हालांकि वापस तो आएगा ही टकरा के रुक जाएगा, लेकिन अगर जाके पूरा आता तो ये पूरे इलिप्स का टाइम पीरियड है ना, और हमें केवल क्या निकालना है, केवल जाने का टाइम ना, तो इसका बाय टू कर देंगे, तो जाने का टाइम कितना हुआ, जाने का टाइम केवल क्या होगा, जो टाइम पीरियड है बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 4 रूट 2 आर क्यूब अपॉन जी। अब इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से टी लिख सकते हैं, हमें टी गिवन था ना, तो हम यहां पे लिख देंगे टी अपॉन में 4।